हेलो फ्रेंड्स, आगे चुकी न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम काल भैरव जी के मंदिर में आए हैं उनके साथ होली सेलिब्रेट करने के लिए। तो सर स्वागत है आपका, हैप्पी होली। क्या मैसेज देंगे? सभी जम्मू वासियों को पूरे भारतवर्ष को होली की शुभकामनाएं। भगवान काल भैरव जी के मंदिर में हर साल हर त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसमें जैसे आज होली है, होली का पर्व भी बड़े धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है। ये त्यौहार हर साल पूरे भारतवर्ष पर खुशियाँ लेके आए और भगवान काल भैरव जी की कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी मनोकामना हम करते हैं। आज होली के पर्व सुबह रंगों से यहाँ पे होली खेली गई, उसके बाद यहाँ पे शतराई विस्तृत की गई। शतराई यहाँ पे बांटी जा रही है भक्तों के द्वारा। भक्तजन शतराई का भोग लगाकर बहुत ही आनंद महसूस कर रहे हैं और भगवान भैरवनाथ जी की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। होली का ये जो पर्व है ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में कुछ बताएं। होली का पर्व जो होलिका थी उसका उसको होलिका को एक वरदान था कि वो कभी जल नहीं सकती है, तो उसने प्रह्लाद को अपनी गोद में लेकर जलाने का वो किया था, प्रयास किया था। लेकिन भगवान विष्णु जी की कृपा से वो जो दुपट्टा उसके पास था, जो चादर होलिका के पास थी, वो हवा से उड़ के प्रह्लाद जी के ऊपर पड़ गई और इसमें होलिका का दहन हुआ। बुराइयों का दहन होता है और जब कल की रात को होलिका का दहन हुआ था, फिर बुराई का दहन हुआ है, इसलिए आज रंगों से होली को मनाया जाता है। होली के इस पर्व में आप क्या एक मैसेज देंगे लोगों को, क्योंकि लोग होली के गुलालों के साथ थोड़ी छेड़छाड़ भी करते हैं, बीच में मिलावट भी होती है, तो क्या एक मैसेज देंगे? होली थोड़ी खेलो लेकिन ऑर्गेनिक कलर से खेलो, जो किसी की भी स्किन को प्रॉब्लम ना दें, किसी की स्किन खराब ना करें। खुशियों से खेलो, आपस में मिल बांट के खेलो और पूरा भारतवर्ष होली बड़े ही खुश तरीके से खेले, यही कामना मैं महंत रोमिल शर्मा करता हूँ। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं आपसे ब्लेसिंग्स चाहेंगे, क्योंकि आपका हाथ और भैरव देवता जी का हाथ जो है सबके सिर पर बना रहता है, तो एक अच्छा सा मैसेज दे देंगे। भगवान काल भैरव जी की कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे, यही कामना हर रोज़ हम सुबह शाम मंदिर में करते हैं। भक्तजन खुश रहें, खुशहाल रहें, ग्रहों से दूर रहें और उनकी बुराइयों का खात्मा हो और वो ऐसे ही रंगों में देख सकते हैं। ठीक मेरे सामने जो है होली की सेलिब्रेशन चल रही है, बहुत महत्व है इस जगह का। काल भैरव मंदिर के इधर सुबह से ही भक्तों की यहाँ पर लाइनें लगी हैं, होली सेलिब्रेशन उनके साथ की जा रही है और आप देख सकते हैं कितना उत्साह है लोगों में, किस तरह से उन्होंने भैरव देवता को और खुद को रंगा हुआ है। और प्रसाद की बात करें तो सभी को प्रसाद भी दिया जा रहा है, जितनी भी जनता है यहाँ पर वो पहुँच चुकी है, पूरी मीडिया पहुँच चुकी है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगी, हैप्पी होली। वाह जी वाह, प्यार और भाईचारे को बढ़ाते हुए देखिए किस तरीके से इन्होंने हैप्पी होली की जो सेलिब्रेशन है श्री काल भैरव चौक चबूतरा में, इन्होंने बड़ी धूमधाम से जो है मनाई जा रही है और आप देख सकते हैं कितना इंजॉय कर रहे हैं सारे। बात करें अगर मीडिया कर्मियों की तो वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय फील कर रहे हैं, आए तो यहाँ पर शूट करने थे मगर लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा और रंग दिया। रंगों की बौछार जो है वो आप देख सकती है, कितने प्यारे प्यारे रंग हैं और किस तरह से श्री काल भैरव जी को इन्हीं रंगों से सजाया जा रहा है। पानी के साथ साथ इन्होंने सबको गिल्ला भी कर दिया और देख सकते हैं यहाँ के जो महंत है श्री रोमिल जी उनको भी पूरा रंगों से भर दिया है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि पानी को थोड़ा सा अवॉइड करें और सूखे गुलाल जो है उसी को ज़्यादा यूज़ करके तो सेलिब्रेशन करें होली की।
आप देख सकते हैं यहाँ पर लेडीज़ भी जो है रंगों का भरपूर मज़ा ले रही है। तो हैप्पी होली मैम, कैसी है आप, क्या कहना चाहेंगे? हैप्पी होली सबको। मैं बोलती हूँ कि सभी होली जो है धूमधाम से मनाएं, जिस तरीके से लोग अंडे का प्रयोग करते हैं अंडे का प्रयोग ना करें, और रंगों से बहुत ही धूमधाम से हैप्पी होली मनाएं। किस तरह के कलर जो है वो आपने मार्केट में देखे हैं, क्या गुलाल प्योर गुलाल है या उसमें मिलावटी कोई चाइनीज भी दिखे? इस बार मेरे को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जब तक, अभी तक हमने देखा जो गुलाल थे वो बहुत अच्छे गुलाल थे। और हैप्पी होली सबको। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कितने अच्छे यहाँ पे इन्होंने बोला, ये भी हमारे एक मीडिया कर्मी है, इनको भी मेरी तरफ से हैप्पी होली। और मैम क्या कहेंगे? आपको भी हैप्पी होली, और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं होली की। मैं यही कहूँगी कि होली जो है वो रंगों का त्यौहार है, तो रंगों से ही खेलें, पानी अंडे ग्रीस से ना खेलें। और खासकर उन बच्चों को एक मैसेज देना चाहूँगी कि आज होली के पर्व पे जो लोग बाइक्स पे घूमते हैं, प्लीज़ सेफली बाइक चलाएं, क्योंकि इससे आपको नहीं बल्कि आपके परिवार को भी नुकसान होने वाला है। क्योंकि आज बाजारों में पानी गिरा है, लोग ऊपर से बैलून्स मार रहे हैं, तो उससे गिरने के चांसेस ज़्यादा है, तो प्लीज़ उससे बचे रहिए। और एक बार फिर मेरी तरफ से और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं होली की। थैंक यू सो मच। तो ठीक कहा इन्होंने कि ऊपर से जो बैलून्स हैं वो फेंके जा रही है। मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बाइक राइडर्स हैं वो हेलमेट यूज़ ज़रूर करें, आगे भी और पीछे बैठने वालों भी, क्योंकि ऊपर से जब बैलून का प्रेशर पड़ेगा तो नेचुरली स्पीड वाली बाइक जो है वो स्लिप होगी। तो इसलिए आपको हेलमेट का यूज़ ज़रूर करना है। तो हैप्पी होली मेरी चैनल के माध्यम से, पूरे चैनल के टीम की तरफ से हैप्पी होली। आप देख सकते हैं श्री काल भैरव जी को भी कितने अच्छे से सजाया हुआ है, इन पर भी रंगों की बोछार जो है वो करी हुई है। जो लोग आज के दिन भैरव देवता के दर्शन को नहीं आ सके, उन लोगों के लिए, उन सिटीज़न के लिए मैंने ये शूट करके आप सबको दिखा रही हूँ। तो आप घर बैठे होली का आनंद लें और श्री काल भैरव जी के दर्शन भी करें। और आप देख सकते हैं यहाँ के जो महंत जी हैं श्री रुमेल शर्मा जी, वो श्री काल भैरव देवता जी को रंगों से रंग रहे हैं। काल भैरव देवता जी भी कितने आनंद जो है महसूस कर रहे होंगे, सतरंगी रंगों से उनको रंगा जा रहा है। और बाबा जी का जो आशीर्वाद है वो फूल स्वरूप उनके चरणों में भी गिरे, आप देख सकते हैं। ये जो गुलाल है बाबा जी के हाथों से, हम अपने लाइफ में जो है उसको भी रंगीन करवाएं। तो आप देख सकती हैं सारे मीडिया गुलाल के रंगों में रंग दिया हुआ है। और ये पीछे रह गया कोई, तो इनसे भी पूछते हैं आपका क्या रीज़न है जो आपने गुलाल नहीं लगाया आज? एक्चुअली हमने सुबह लगाया था, अपने घर में हमने खेली है होली, तो इसका मतलब हमें आपको रंग देना चाहिए, ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। नहीं, गुलाल लगाना तो बनता ही है। आपको लगता है यहाँ से आप घर तक जाएंगे तो बिना रंग के चल जाएंगे? तो क्या एक मैसेज देंगे इस होली के पर्व पर? बहुत अच्छा है फेस्टिवल, बहुत ही अच्छा मनाना चाहिए। हमने एक्चुअली सुबह मना ली है इसलिए अभी हम अभी निकल रहे हैं, लेकिन अच्छा है सबके लिए। थैंक यू। पूरा लाने है ना फिर। पूरा ही रंग दिया इन्होंने मुझे। तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने जो है गुलाल जो मेरे चेहरे पे लगाया है, ये आशीर्वाद है श्री काल भैरव जी के, जो महंत है यहाँ पे रुमेश शर्मा जी, उन्होंने अपना आशीर्वाद जो है भक्तों तक पहुँचाते हुए इन्होंने गुलाल लगाया। और मैं भी इनको थोड़ा सा गुलाल के साथ इनको तिलक कर रही हूँ। भगवान काल भैरव जी की कृपा आप पर और पूरे मीडिया कर्मियों पर हमेशा बनी रहे। थैंक यू, थैंक यू।
देख सकते हैं किसी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, पूरा रंग दिया। और मैं चाहूँगी वर्मा जी भी ज़रा अपने हाथों से उनको शुभ रंग लगाएं और इस होली के पर्व को आगे बढ़ाएं। वाह वाह वाह, हैप्पी होली। सेम टू यू, बट हम बाइक राइडर्स नहीं है, स्कूटी राइडर्स तो हो। स्कूटी राइडर भी है, हम अभी एक्चुअली जा रहे थे तो इसीलिए हम राइडर्स के साथ नहीं है, हम अकेले हैं, फैमिली वाले बंदे हैं। मगर मैं ये जानना चाहूंगी होली के इस पर्व पर आपने एक बहुत बड़ी गलती की हुई है, क्या गलती है वो? मैंने हेलमेट नहीं पहनी है। बिल्कुल, तो आप मान सकते हैं कि अगर ऊपर से बैलून आए या कोई फेंक के हिट करे तो आपको नुकसान हो सकता है? हो सकता है, बट एग्री मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सिर पे अंडे पड़े हुए हैं, हेलमेट डालूंगा हेलमेट खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं सर, अपनी सेफ्टी के लिए वो भी जरूरी है। तो इस वक्त मेरे साथ कोई और हैप्पी होली सर, क्या एक मैसेज देंगे होली पर? हैव ए हैप्पी होली, सेफ होली एंड एंजॉय एवरीवन। भगवान भैरवनाथ सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से ये बताएं कि क्या उन लोगों के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे उनको समझ आ जाए कि इस होली वाले पर्व पर भी उन्हें हेलमेट जो है वो लगानी बहुत ज़रूरी है। माना कि सिर पर अंडे फेंके हैं किसी ने, मगर हेलमेट इतनी ज़रूरी है क्योंकि उनका तो कुछ नहीं जाएगा मगर परिवारजनों का ज़रूर जाए। अच्छी तरह से होली मना रहे हैं, कोरोना काल के बाद 2-3 साल के बाद आज हमको होली मनाने का मौका मिला है। यहाँ पर हम बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर हम भांग पी रहे हैं, होली मना रहे हैं, सब लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। देख सकते हैं आप हमारे कितने कलर्स लगे हैं, आपने भी होली मनाई हुई है, आपको भी लग रहा है। देख लीजिए बच्चे भी यहाँ पे भांग पी रहे हैं, देखो देखो बच्चे भी भांग पी रहे हैं। खुशी को जाहिर करने के लिए और आप क्या करने वाले हैं? और हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशी मनाने वाले हैं। एक दूसरे के घरों में जाएंगे, रंग लगाएंगे, खुशियां मनाएंगे, बिल्कुल ऐसे। हैप्पी होली आप सबको, आपकी पूरी टीम को और जो भी दर्शक देख रहे हैं, हैप्पी होली। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा उत्साह है यहाँ पर, भीड़ जो है बाबा जी के दरबार में बढ़ती जा रही है और सभी को बहुत ज्यादा हैप्पी होली। सर क्या कहेंगे, एक मैसेज देंगे? यही बोलना है यार, आराम से मनाओ, प्यार से, और ज्यादा लड़ाई वड़ाई नहीं करनी किसी के साथ, सब प्यार से खेलो। आप क्या बोलोगे? हैप्पी होली टू एवरीवन। अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए कोई स्पेशल मैसेज? हैप्पी होली टू, हैप्पी बर्थडे भी आज, हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम माय जागो जम्मू न्यूज चैनल। ओके, थैंक यू, हैप्पी होली टू एवरीवन। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा उत्साह था लोगों में और कितनी एंजॉयमेंट थी। और थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है लोगों में, बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर जो है भांग का प्रसाद भी लगाया गया है। तो बात करेंगे आगे चलकर किसी और के साथ और सेलिब्रेशन को और आगे कैसे बढ़ाई जा रही है, तो देखते हैं। ठीक मेरे सामने जो है होली की सेलिब्रेशन चल रही है। बहुत महत्व है इस जगह का, काल भैरव मंदिर के इधर सुबह से ही भक्तों की यहाँ पर लाइनें लगी हैं, होली सेलिब्रेशन उनके साथ की जा रही है। और आप देख सकते हैं कितना उत्साह है लोगों में, किस तरह से उन्होंने भैरव देवता को और खुद को रंगा हुआ है। और प्रसाद की बात करें तो सभी को प्रसाद भी दिया जा रहा है, जितनी भी जनता है यहाँ पर वो पहुँच चुकी है, पूरी मीडिया पहुँच चुकी है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगी, हैप्पी होली। आयरलैंड की हर्बल तुलसी, सेहत की घुट्टी, रोगों से छुट्टी।